सुषमा बड़ाई अपने बॉडीगार्ड के साथ बाइक से जा रही थी, जब हरमू चौक से सजानंद चौक के बीच मोटरसाइकिल पर सवार 3 अज्ञात अपराधकर्मियों के द्वारा हत्या की नीयत से उनके ऊपर फायरिंग की गई, जिसमें सुषमा बड़ाई को भी गोली लगी और वो घायल हुई। साथ में जो बॉडीगार्ड था उसे भी गोली लगी थी। उन दोनों का इलाज कराया गया, दोनों आज के समय में खतरे से बाहर हैं। इस संदर्भ में पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में एक विशेष अनुसंधान टीम का गठन किया गया, जिसमें तकनीकी शाखा के पदाधिकारी व कर्मी भी शामिल थे, और उनके द्वारा सघनता से अनुसंधान किया गया, अनुसंधान के विभिन्न बिंदुओं को लेकर के, और प्राथमिकी में जो संदेही अभियुक्त के रूप में नामित किया गया था दानिश रिजवान को, जिसके ऊपर सुषमा बड़ाइक के द्वारा पहले भी पटना के सचिवालय थाने में एक मामला दर्ज कराया गया है 182/22 धारा 376(1) के अंतर्गत, उसकी भूमिका पाई गई है, जिसके द्वारा एक तरीके से इस पूरे घटनाक्रम का प्लान किया गया, जिसमें कि 3 अपराधकर्मियों को शामिल किया गया इसमें, जिसमें पहला व्यक्ति फरहान खान, दूसरा मोहम्मद मुदस्सिर और तीसरा एक अन्य व्यक्ति भी शामिल है। इसमें जो फरहान खान है वो इसका संबंधी भी है और इसकी छोटी बहन की शादी दानिश से हुई है। तो पहले से जो केस चला आ रहा था उसके कारण बदले की भावना से प्रेरित होकर के इसने इस पूरी घटना की प्लानिंग की और इस घटना को अंजाम देने की कोशिश की और हत्या का प्रयास किया गया। सर, मैं ये बताना चाहेंगे कि जब घटना ये हुई, जैसा मैंने बताया, हरमू चौक और सजानंद चौक के बीच में, तो इन 3 अपराध कर्मियों के द्वारा जिस बाइक का प्रयोग किया गया था उस बाइक को हम लोगों ने ट्रैक करने की कोशिश की, जो शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर जो CCTV कैमराज लगाए गए हैं उनसे काफ़ी महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे, उससे उस बाइक को ट्रैक किया जा सका। और उस बाइक के रजिस्ट्रेशन नंबर को जब हम लोगों ने वेरीफाई किया तो रजिस्ट्रेशन नंबर भी जाली पाया गया, लेकिन उस बाइक को ट्रैक करते हुए हमारी अनुसंधान टीम वहाँ तक पहुँच पाई जहाँ पर ये लोग रुके हुए थे, जहाँ पर इन लोगों ने अपना एक तरीके से आश्रय लिया हुआ था, और वहाँ से हम लोगों को कुछ ऐसी डिटेल्स मिली इनके नंबर्स को लेकर के, इनके आइडेंटिटी को लेकर के, जिसके आधार पर पुलिस ने काम करना शुरू किया। इसको लेकर के टीमें अलग अलग राज्यों में भी भेजी गई, बिहार भी एक टीम गई और एक टीम उत्तर प्रदेश लखनऊ भी गई, जहाँ पर STF की भी सहायता ली गई, UP STF की, जिन्होंने काफ़ी सहायता की हमारी टीम को, और उनके द्वारा लगातार ही पहले हम लोग की टीम लखनऊ में कई दिनों तक हमारी टीम ने कैंप किया, और उसके बाद ये दोनों ही अपराधी फरहान और मुदस्सिर वहाँ पर पकड़े गए। एक टीम बिहार भी गई हुई थी, जिसके द्वारा बिहार पुलिस के सहयोग से दानिश रिजवान जो हैं, जो प्राथमिकी अभियुक्त हैं, उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। अगर हम लोग इनके आपराधिक इतिहास की बात करें तो दानिश रिजवान के विरुद्ध पहले से भी 9 मामले बिहार के विभिन्न थानों में दर्ज हैं। अगर फरहान की बात करें तो जैसा इसके द्वारा बताया गया है इसके विरुद्ध ज़्यादा मामले हैं, लेकिन 3 मामले स्पष्ट तौर पर अभी तक सामने आ पाए हैं, जिसमें कि यह अभियुक्त है, और UP गैंगस्टर एक्ट जो है वो भी इसके विरुद्ध वहाँ पर लगाया गया है। मुदस्सिर के संदर्भ में जो इसका आपराधिक इतिहास है उसकी खोजबीन की जा रही है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।